Good morning, students. So, yesterday we read about the cleaners. How can we maintain the cleaners? Food hygiene while cooking at home. Then how food get spoiled. We read this. And today we start the preservation of food. हम खाने को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? We cannot preserve food forever, but we can prevent. हम खाने को पूरे टाइम तो बचा के नहीं रख सकते, लेकिन उसे सुरक्षा कर सकते हैं. The process by which food material are given a suitable physical or chemical treatment. Turn the page. To prevent their spoilage is called food preservation. There are different types. You see here, heating food. और आपने देखा है टिक मार लगा क्वेश्चन फाइव का आंसर है ये. Heating food kills all food spoil bacteria and fungi present in it. हम देखता है ना दूध को उबालते हैं उससे क्या होता है उसमें जितने बैक्टीरिया हैं वो सब get spoiled. For example, when we boil milk, अगर हम मिल्क को बॉइल करते हैं, the food spoiling bacteria present in it and kill. Hence, the boiled milk remains good for long time. Drying मतलब सुखाना. Food spoiling bacteria do not grow well in dry conditions. So, many vegetables like spinach, पालक है, मेथी है, आपने देखा ना cauliflower, ginger, बहुत सारी चीजें हम सुखाते हैं, गाजर भी सुखाती है मामा, drying in sun, बहुत सारी चीजों को हम धूप में सुखाकर बचा सकते हैं. कूलिंग इन समर सीजन फूड स्पॉइल्स एट फास्टर रेट. आपने देखा है ना गर्मी के मौसम में चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं. एट हाई टेम्परेचर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स रिमेन एक्टिव. फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशन. तो हम बहुत सारी चीजें फ्रिज का यूज करते हैं. फ्रेश फ्रूट है जैसे कूल ठंडे एरिया में हमें रखना चाहिए. एंड डू यू नो द फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस पाश्चर डेवलप अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क. दिस मेथड इज कॉल्ड पैस्टराइजेशन. आपने देखा ना दूध मिलता है तो पेस्टराइजेशन प्रोसेस होता है. एडिंग सॉल्ट एंड सुगर. हम खाना एडिंग सॉल्ट और सुगर से भी बचा सकते हैं. तो कौन कौन से मेथड है? हीटिंग, ड्राइंग, कूलिंग, एडिंग सॉल्ट एंड सुगर. सम फ्रूट्स वेजिटेबल्स सच एज मैंगोस, लेमन, आंवला, इन सबका अचार बनता है. पिकल्स बनाते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं इसमें, ऑयल डालते हैं इसमें बचाने के लिए. सम जैसे राइप मैंगोस हैं, ऑरेंज हैं, उनका जैम भी बनाते हैं, जेली बनाते हैं, उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं? शुगर. ओके, देन यू सी यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. कुछ आपने देखा ना जैसे अचार आता है पैकेट में तो सब किससे होता है? केमिकल प्रिजर्वेटिव. देन कैनाइन फूड इज द फर्स्ट हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड किल बॉइल स्मॉलिंग बैक्टीरिया फंगी एंड सील कर एयर टाइट कंटेनर में सील कर करके चीजें आती हैं. इससे जैसे गुलाब जामुन है, रसगुल्ला मिलता है तो सब इसलिए वो खराब नहीं होता. अब कौन कौन से एडवांटेज है, हमें क्या क्या लाभ है अगर हम फूड प्रिजर्वेशन करेंगे? फर्स्ट, इट रिड्यूस द फूड वेस्टेज. खाना खराब नहीं होगा. इट इंक्रीजेस द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड. इट एनेबल अस टू गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इवन ड्यूरिंग द ऑफ सीजन में भी. हमें देखा ना बहुत सारी चीजें मिलती हैं. नाउडेज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फैसिलिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज. क्योंकि बड़े बड़े फ्रिज होते हैं उसमें चीजें रख दी जाती हैं. इट हेल्प्स अस टू गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम ए फार ऑफ प्लेसेस. Hence, apples from Kashmir and oranges from Nagpur are available in Delhi as well. The next is preventing wastage. Last topic. You might have seen wastage of food at marriage ceremony. आप देखा ना शादी होती है सब लोग थाली पूरी प्लेट्स को फिल कर लेते हैं चाहे कितना भी खाना हो. ऐसा नहीं करना चाहिए. बर्थडे पार्टी है तो हम कैसे इस वेस्टेज को हम बचा सकते हैं? कौन कौन से मेथड है? So see here. फर्स्ट पॉइंट इज टेक ओनली एच मच फूड एज आर प्लेट एज यू कैन पॉसिबल इट. इतना ही खाना आपको लेना है जितना आप खा सकते हैं. सेकेंड, कुक ओनली एच मच फूड एज द फैमिली रिक्वायर. और जितनी आपकी फैमिली आपने बुलाया है उतना ही खाना बनाइए. स्टोर द लेफ्टओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर. और जब खाना बच गया उसको फ्रिज में रखिए और या कूल या सूखे एरिया में रखिए. स्टोर सीरियल्स पल्सेस स्पाइसी इन क्लीन ड्राई एयर टाइट कंटेनर. स्टोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन रेफ्रिजरेटर और इन अ कूल और ड्राई प्लेस. रिमेंबर वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड. हमें खाना खराब नहीं करना है. फूड प्रिजर्व एंड सेव. इज फूड प्रोड्यूस्ड फूड इज प्रीशियस. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली. बाय बाय और सी हियर. यहाँ पे आपको नंबर भी लिखे हुए हैं तो आप ये नंबर से आप टिक लगा लेंगे. ओके.